आज मैं और मेरी वाइफ इनवाइटेड हैं पीसी होटल फॉर आवर डिनर, और थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। वैसे पीसी हम जब भी जाते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आज मैंने सोचा कि कुछ व्लॉग बनाया जाए और आप सबको दिखाया जाए कि हम पीसी होटल में क्या करने जा रहे हैं। तो हम बस एंटर हो रहे हैं पीसी के अंदर, और यहाँ पर सिक्योरिटी चेक होता है, तो इन्होंने कैमरा बंद करने को हमें कहा और हमारी गाड़ी को चेक किया। उसके बाद गाड़ी से उतर के फाइनली हम दोनों मूव हुए पीसी के गेट की जानेब, और अंदर हम जा रहे हैं। और आप ये देख सकते हैं, आपने अक्सर देखा होगा, और बड़ा सिक्योरिटी का निज़ाम है। एक चीज़ देख के मैं बड़ा हैरान हुआ, यहाँ पे मुझे पाकिस्तानी लोगों से सारा चाइनीज़ लोग दिखे, और ऐसा लगा कि मैं जो है वो चाइना के अंदर हूँ। तो ये था सिलसिला। बाकी ये देख सकते हैं पीसी होटल बड़ा ही वेल फर्निश है, कारपेट की शॉप्स भी हैं, क्योंकि जो लोग हमारे पास बाहर से टूरिस्ट आते हैं और यहाँ पीसी में ठहरते हैं, तो वो अगर कल्चरल लेना चाहें तो कारपेट ले सकते हैं, लेकिन हम ऑब्वियसली नहीं लेंगे क्योंकि ये इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। और कुछ और शॉप्स भी हैं आगे लेफ्ट साइड पे। हाँ, ये रहा, मैं इसी को ढूंढ रहा था कि कॉफ़ी शॉप आपको दिखाऊं। बहुत ही जमीन की कॉफ़ी होती है, और यहाँ पे जूसेस भी मैंने एक दो टप ट्राई किए हैं, वो बहुत अच्छे हैं, तो आप आके भी ये ट्राई कर सकते हैं। ये इसका फ्लोर है। ये हमारे बराबर की फैमिली के दो बच्चे हैं जो घूम रहे हैं, और आपको भी सोच रहा हूँ कि सारा दिखाऊँ ताकि एक अच्छा व्यू आप देख सकें। ये लिफ्ट है जनाब ऊपर जाने के लिए, और आगे जो है वो काउंटर है, जो अगर किसी को रूम की रिजर्वेशन वगैरह करवानी है या किसी का बॉल रूम वगैरह, यहाँ पे शादियाँ वगैरह भी होती हैं, तो वो आप यहाँ से करवा सकते हैं। और बाज़ दफ़ा मैच वगैरह जब होता है तो ये यहाँ पे लेफ्ट साइड पे ये लोग एलसीडी में भी उसको लगाते हैं, और यहाँ पे डिफरेंट मुल्कों के टाइम्स मैंशन हो रहे होते हैं ताकि वो अपने हिसाब से चूँकि ज़ाहिर है ये एक होटल है और ज़्यादातर यहाँ पर टूरिस्ट ही आते हैं और स्टे करते हैं। ये मार्को पोलो है, यहाँ पर हाई टी बहुत ज़बरदस्त है, और इनका बूफे सिस्टम भी अच्छा है, लंच भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन मैं अक्सर यहाँ पे हाईटी में आया हूँ तो बहुत ज़बरदस्त है। और हमारी लेफ़्ट साइड पे है जनाब, अभी मैं मुड़ते हैं, पहले आपको टाइम शाइम दिखाएं। ये है थाई पैन रेस्टोरेंट, ये एक चाइनीज़ रेस्टोरेंट है, और ये बहुत ज़बरदस्त है। और ये रेस्टोरेंट के हवाले से अगर हम बात करें तो ये बहुत अच्छा है, और चाइनीज़ अगर खानी है। अब हम पहुँच गए ऊपर, लिफ्ट के ज़रिए ऊपर आए, ये देख सकते हैं हम कितने ऊपर फ्लोर पर हैं, और हम जा रहे हैं चांदनी रेस्टोरेंट, और ये बिल्कुल टॉप पे है। टॉप पे तो हम नहीं कह सकते, लेकिन अगर आप ब्रावो वाली लिफ्ट से आते हैं तो सी दबा के आप फौरन चांदनी रेस्टोरेंट में आप आ जाएंगे। तो चांदनी में हम एंटर हो चुके हैं। बूफे सिस्टम में जनाब क्या क्या है खोल के दिखाते हैं आपको। यहाँ पे हलीम है और यमी लग रहा है, और खा के देखेंगे इंशाल्लाह कि कैसा है। और इसके बाद ये चिकन सज्जी है, ये भी मैं आपको मैं कह रहा हूँ तो वेटर थोड़ा सा कॉपरेट कर रहा है मेरे साथ, और वो मैं चूँकि मेरे पास कैमरा है तो वो खोल के दिखा रहे हैं मुझे, थैंक यू सो मच। और ये चिकन सज्जी है जनाब, आई डिडंट ट्राई इट येट, बट खा के देखेंगे इंशाल्लाह। थोड़ा सा इरादा है सारी चीज़ें टेस्ट करने का। और ये क्या है, इट्स साउंड दैट वेजिटेबल, या वेजिटेबल है, थैंक यू फॉर ओपनिंग। और वेजीज जिसको खाने का शौक है, चूँकि बाद लोग मीट नहीं खाते, तो अगर किसी को दाल चावल खाने का शौक हो और वेजीज खाने का शौक हो तो वो ये यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। और ये है स्टीम राइस, ये बिल्कुल सादा राइस होते हैं कि अगर आप सालन के साथ इसको राइस को खाना चाहें तो आप इसको ले सकते हैं। साथ में ये फिश आइटम लग रहे हैं, और रायता वायता भी है साथ में, कि मतलब सॉसेस हैं वो ट्राई करने के लिए। और ये चिकन भुना हुआ चिकन है, जो अक्सर हमारे घरों में भी हम लोग बनाते हैं, हमारी वालदा वगैरह बनाती हैं, हमारी बेगमात बनाती हैं, मतलब ये हमारे घर में होता है। इसके अलावा बीफ पाया भी है, बहुत सारी चीज़ें, और ये बीफ सीख कबाब है जनाब बिल्कुल, और ये सब मैंने ट्राई किया हुआ है, बहुत जो है वो टेस्टी होता है। और लेकिन मैंने सोचा आपको दिखाऊँ कि बुफे में क्या क्या है। और इसके अलावा ये है मटन कौरमा, यमी स्मेल तो बहुत यमी है। और बहुत जब आप बूफे में आते हैं इतनी सारी चीज़ें होती हैं, थोड़ा सा सिलेक्शन में बहुत मसला होता है, तो मैं तो वही चीज़ें खाता हूँ जो ज़ाहिर आम तौर पे हम नहीं खाते। चिकन बिरयानी, लेकिन बिरयानी में ज़रूर लेता हूँ, चाहे मैं दो बाइट लूँ या थ्री बाइट लूँ, चूँकि आपको पता है कि उसके बगैर ऐसा लगता है कि मील वो नहीं है। तो और ये कड़ी, क्रीमी कड़ी है, और कड़ी भी बहुत लोग खाते हैं, फेवरेट है, और मैं भी पसंद करता हूँ। और इसी बराबर में क्या है जनाब, हमारे पास है चिकन यखनी टाइप लग रहा है कुछ, यस यस यस, इट्स यखनी चिकन, यखनी किसी को सूप, जो लोग सूप भी वैसे यहाँ पे है और यखनी भी है, आप ये देख सकते हैं यखनी। वेटर मेरी थोड़ी हेल्प कर रहे हैं दिखाने में, बहुत बहुत शुक्रिया।
यू आर कोऑपरेटिंग इन द व्लॉग। और ये यखनी है जनाब, ये यखनी के प्याले हैं, अगर आपको यखनी खानी है तो यहाँ से निकाल सकते हैं। साथ में हमारे पास आ गया है जनाब बीफ कीमा। कीमा बहुत ही टेस्टी है, आप देखें ये वो बिहारी कीमा टाइप का भी लग रहा है ना, लेकिन बहुत ये यमी होता है। चिकन वाइट कढ़ाई, जो वाइट कढ़ाई के शौकीन हजरात हैं वो ये चिकन वाइट कढ़ाई देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत अच्छी है ये भी। और इसके बराबर में क्या है, मटन कढ़ाई, मतलब कढ़ाई की बहुत सारी आप देखें वैरायटी है, भुना हुआ भी है और चिकन भी है, और साथ में सारी चीज़ें आपके पास हैं। ये साथ में थोड़े से मसाला जात होते हैं, सॉसेस होते हैं, अदरक है और डिफरेंट टाइप की इमलीज हैं, ठीक है ना, वो चटनी है, सॉरी इमली की चटनी और ये चटनी और हरी मिर्च और ये सारी चीज़ें, अचार वगैरह भी यहाँ पे मौजूद होता है, सैलेड होता है यहाँ पे कि आपको सैलेड इस्तेमाल करना है, बीन्स यहाँ पे मौजूद हैं, और मतलब बहुत आपके पास डिफरेंट वैरायटी आ जाती है, डिफरेंट आपके पास चीज़ें आ जाती हैं। ये देखिए ये बीन्स हैं और सैलेड है, खीरा वगैरह सब, मतलब आप खाने का देसी खानों, असल में बेसिकली चांदनी रेस्टोरेंट जो है ना, ये बेसिकली जो है वो देसी रेस्टोरेंट है, और नीचे जो हमने थाईपान देखा था वहाँ भी बुफे सिस्टम है लेकिन वो चाइनीज़ है, और ये यहाँ पे देसी चीज़ें आपको मिलेंगी। अगर आप चांदनी रेस्टोरेंट में आते हैं तो ये मक्खन देखें छोटे छोटे से आपको देखे थे, रोटी ताज़ा ताज़ा ये लोग बनाते रहते हैं यहाँ पे, और वेटर मेरी हेल्प कर रहे हैं हर चीज़ दिखाने में, और वो आपको चाइनीज़ भी दिख सकते हैं। मैं ये भी हैरान हूँ कि चाइनीज़ भी मैंने देखा कि थाई पान में चाइनीज़ नहीं थे, लेकिन चांदनी रेस्टोरेंट में मैंने बहुत चाइनीज़ देखे, तो मुझे ऐसा लगा कि चाइनीज़ आर लविंग द पाकिस्तानी फूड एज वेल। और ये कुछ चीज़ें हैं, ये बहुत सारी, मैं तो नाम ले लेके भी वो हो गया, और आप देखें डिफरेंट चीज़ें हैं और ये बहुत यमी यमी सी चीज़ें हैं यहाँ पे आप निकाल के, ऊपर से टॉपिंग चीज़ें मौजूद हैं, और गुलाब जामुन देखें गर्मा गर्म, ये आपको भी इसकी महक आ रही होगी वीडियो के अंदर, और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। डेजर्ट की तो यहाँ पे समझे अल्लाह तादाद होते हैं सर, डेजर्ट के जो शौकीन हैं वो चांदनी रेस्टोरेंट आए, और बड़े ज़बरदस्त यहाँ पे डेजर्ट्स हैं, आप देख सकते हैं यमी यमी से छोटे छोटे से केक्स होते हैं, छोटे पीस इसलिए करते हैं चूँकि बुफे सिस्टम है, बंदा एक या दो पीस ही खाता है। कस्टर्ड, खीर, देर आर डिफरेंट वराइटीज़ ऑफ पुडिंग, आप देखिए पुडिंग है, सैलेड है, वो फ्रूट चाट है, और ये भी बड़ा टेस्टी होता है, लेकिन एक दो बाइट, क्योंकि जब बुफे में आए ना तो एक एक बाइट ही लें सबका ना, ताकि आप डिफरेंट चीज़ों को ट्राई कर सकें और डिफरेंट चीज़ों को टेस्ट कर सकें और अपनी टेस्ट बर्ड्स को भी आप उभार सकें। और पुडिंग तो वैसे लाइट होती है, और पुडिंग तो मैं खा लेता हूँ दो तीन प्याले भी, कोई मसले की बात नहीं होती, इट इज़ अ वेरी लाइट, लेकिन वो जो केक शेक होता है ना उससे आपका पेट भर जाता है, और पेट फुल हो गया तो फिर आप बाकी चीज़ ट्राई नहीं कर सकते। तो ये बहुत आप देखें डेजर्ट की वैरायटी है, कुछ लाइव कुकिंग भी यहाँ पे चल रही होती है, बारबेक्यू के आइटम और वो जो पूरी है, रोटी है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लाइव कुक कर रहे होते हैं शेफ़, और शेफ़ बड़े एक्सपर्ट हैं, इनके हाथों में बहुत जायका है, जाहिर है पीसी होटल में काम करने तो उन्होंने एक्सपर्ट को ही यहाँ पे चूज़ किया है। चाय वगैरह सब चीज़ें, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल पाकिस्तानी, अगर आपकी बात पाकिस्तानी फूड की बात करें, और यहाँ पे कॉन्फ्रेंसेस भी होती हैं, मतलब मीटिंग्स वगैरह के लिए भी लोग आते हैं और फैमिलीज़ भी आती हैं, मतलब बड़ा ही डिसेंट माहौल आपको मिलेगा चांदनी रेस्टोरेंट के अंदर, और बहुत आपको अच्छा इंजॉय करेंगे अगर आप फैमिली के साथ आते हैं। और बिरयानी देखें गरम गरम, अभी आई है, मैं आपको दिखा दूँ कि बिरयानी इज़ ऑलवेज लव, तो ये बिरयानी तो आपको पता है हॉट आइटम है, हर जगह चलता है, हर बिरयानी के रेस्टोरेंट आप देख लें, ढाबा देख लें, ठेले पे बिरयानी बेचे तो चलते हैं। ये प्रॉन्स आ गए हैं जना, फिश आइटम प्रॉन्स, ये भी बहुत यमी होते हैं। बहुत सारा खाना खाने के बाद, दिखाने के बाद, अब हम चल रहे हैं वापसी पे, थक चुके हैं और पार्किंग की तरफ जाएंगे, और आपसे मुलाकात होगी फिर इंशाल्लाह, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, अल्लाह हाफिज़।